एंचेंटेड पूल, एक जादू तालाब, ये महाभारत की कहानी है। जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया तब ये लोग जंगल में जाकर के भटक रहे थे, तभी इनको प्यास लगती है और युधिष्ठिर के कहने पर उनके छोटे भाई पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जब पानी को लेकर के नहीं लौटते हैं तो उस समय युधिष्ठिर व्याकुल हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई अभी तक क्यों नहीं वापस आए। ये अब यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एरेक्सिटी एट थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने वेटेड मान इंतजार किया, फॉर हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों का, इन माने में, एनएक्सटी माने चिंता में, एंड थर्स्ट माने प्यास। प्यास से व्याकुल होकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू आकर्स और आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे किसी श्राप से, टू अकर्स, कर्स मीन्स होता है श्राप, किसी श्राप से प्रभावित हो गए हैं, और या आर दे स्टिल वांडरिंग, क्या वे अब भी भटक रहे हैं, वांडरिंग मीन्स भटक रहे हैं, अबाउट माने बारे में, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अब भी जंगल में पानी की खोज में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, और या डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल माने असमर्थ होना, टू बियर माने सहन करने के लिए, दीज थॉट्स माने ये विचार, जब ये विचार उसे सहन नहीं हुए या ऐसे विचार सहन करने में असमर्थ हो गए, एंड ड्राइविंग बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए, तो ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया, छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और स्टार्ट माने चल दिए, आउट टू लुक माने देखने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों को, अपने भाइयों को खोज करने के लिए वो चल दिए, उनको ढूंढने के लिए चल दिए, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और ऐसी उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें तालाब के पास खोज लेंगे, तालाब के पास ढूंढ लेंगे। आगे देखिए, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन नीडोस। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़े, तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा, वे उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैव टेकन, जो उनके भाइयों ने दिशा डिसाइड की थी, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में उन्होंने चलना प्रारंभ किया, आगे बढ़ते गए, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलते गए थ्रू माने द्वारा, ट्रैक्स माने रास्ते, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वह रास्ता जंगली जानवरों से, जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, फुल ऑफ माने भरा हुआ था, बायर माने जंगली, बियर माने फार्मर्स, ऐसा रास्ता या ऐसे रास्ते से गए जो रास्ता जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से वह रास्ता भरा हुआ था, उसी रास्ते से वे होकर के अपने भाइयों की खोज करने के लिए निकल पड़ते। टिल माने तक, ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीरो, जब तक वह हरे भरे चारागाह तक नहीं आ गए, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो वाटर यानी शुद्ध वाटर यानी शुद्ध जल के अगल बगल जो घास का मैदान था, जब तक वो वहां तक नहीं आ गए तब तक उन्होंने चलना जारी रखा। बट माने लेकिन, व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ लेटे हुए देखा, लाइक फ्लैगपोल्स, एक जैसे लट्ठा डाल दिया जाता है लकड़ियों के ढेर के समान, लट्ठे के ढेर के समान उसके भाई वहाँ पर लेटे हुए थे, अनेबल टू रेस्ट इन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर के, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज निकल पड़ी और वह विलाप करने लगे, रोने लगे, कौन रोने लगे, युधिष्ठिर, जब उन्होंने अपने
तालाब के चारों ओर जो घास लगी थी उस घास के चारों ओर जब जाकर के पहुंचा देखा, देख करके उन्होंने अपने भाइयों को जब उन्होंने देखा कि हमारे भाई इतने बलवान हैं और यहाँ पर एक लट्ठे के समान पड़े हुए हैं, तो उनका जो दुख था उसको दुख को सहन नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पाए, उनकी आवाज़ निकल पड़ी और वो बला करने लगे। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, ही टच्ड, जब उन्होंने अपने भाइयों को लेटी हुई देखा, वहाँ डरे हुए देखा, तो हर कोई अपने भाइयों को स्पर्श करेगा, उन्हें हिलाने डुलाने की कोशिश करेगा, तो ठीक वैसे ही उन्होंने किया। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, टच्ड किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, एज माने क्योंकि, दे माने वे, लेटे ले माने लेटे हुए, सो माने ऐसे, स्टिल माने अब भी, एंड साइलेंट भी ऐसे, अब भी इतने खामोश लेटे हुए थे कि एंड मॉर्न, जब उन्होंने हिलाया डुलाया, जब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, एंड मॉर्न, तो बुबला करने लगे, रोने लगे। वॉज दिस टू बी एंड द एंड ऑफ आवर ऑल आवर वॉर्स, वॉज दिस टू बी एंड, क्या यही अंत होना था, ऑफ ऑल आवर वॉर्स माने हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। इन्होंने सबने कोई ना कोई प्रतिज्ञा की थी कि हम ऐसा बदला लेंगे, सभी की प्रतिज्ञाएं थी, और समय की अज्ञातवास की जो अवधि थी वो समाप्त होने वाली थी, कुछ ही समय रह गया था, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग जब चले गए छोड़ करके, तो उन्होंने फिर वही प्रतिज्ञा याद दिलाई कि क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट माने ठीक, वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारे वनवास की अवधि क्या होने वाली थी, एग्जाइल इज अबाउट टू, जब हमारे वनवास की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया है, दूर कर दिया गया है, इवन द गॉड्स हैव टेकन फॉर मी, हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, भगवान ने भी मुझे इस संकट की घड़ी में साथ छोड़ दिया है, मेरे इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मुझे छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है, अब ना तो आप लोगों का साथ है और ना ही सबका साथ है, यानी कि मैं बिल्कुल एकदम अकेला हो गया हूँ। जी कौन कह रहा है, युधिष्ठिर कह रहे थे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे उन्होंने उनके विशाल शक्तिशाली अंगों को देखा, लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, विशाल शक्तिशाली अंगों को देखा, ना मान अब सो हेल्पलेस, भी इतने असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर के आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि इनको मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो भीम और अर्जुन जैसे व्यक्ति को मार सकता है। देन मान तब ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, इतना कहने के बाद, इतना सोचने के बाद वो आगे बढ़े, कहाँ की ओर आगे बढ़े, डिसेंडेड इन टू द पूल, तालाब की ओर बढ़े, किस लिए बढ़े, ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, प्यास से अति व्याकुल होकर के वो तालाब की ओर पानी निकालने के लिए आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तुरंत एक आवाज आती, एट वंस माने तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म माइंड, बिना रूप वाली आवाज ने, यानी कि भविष्यवाणी हुई, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म माइंड, बिना रूप की आवाज ने उन्हें सचेत किया, वाइड चेतावनी दी, क्या किया, क्या था उस आवाज ने, सुनिए, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं, क्या हो गए, मर गए, बिकॉज माने क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, जो बिना आवाज वाली, सॉरी बिना रूप वाली आवाज थी जो कहीं से प्रकट हुई, उस आवाज ने इनको सचेत किया, इनको रोका, जब वो नहीं माने तो उन्होंने
मूर्छित कर दिया। तो वही बात उन्होंने उनको बताई कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, मेरी बात को नहीं सुना, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देना दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मैंने उनसे प्रश्न पूछे लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्नों का आंसर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की, इसीलिए वो समाप्त। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उन जैसी कहानी फिर से मत दोहराओ। आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का आंसर दो। एंड मान और देन मान, तब यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, इसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, यह तालाब मुझसे रिलेटेड है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अयक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, ऐसा समझने के लिए कि भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी, ऐसा समझने के लिए युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। दैट मान के दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि ये यक्ष के अलावा और किसी बंदे के शब्द नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यक्ष के ही शब्द हैं। एंड गैस मान अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी थी, क्या मैटर हुआ था, उन्होंने इसका एक मिनट के अंदर ही गैस लगा लिया, अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम, और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा टू सी माने देखने के लिए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें पुनः जीवित करने के लिए जो रास्ता खोजा गया था या जिस रास्ते से वो पुनः वापस आ सकते थे उस रास्ते को खोजने में उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा, जरा सा भी टाइम नहीं लगा। उन्होंने एक आइडिया लगा लिया। ही सेड टू हिज बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर वाली आवाज से कहा, क्या कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दूंगा, आंसर सही जाएंगे तो आप मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर देंगे। और यही उनका कहना था, यक्ष जी का, यमराज जी जो थे उनका यही कहना था। हम मना नहीं कर रहे पानी पीने के, आप पीजिए, भाइयों से कहा था पीजिए, लेकिन भाई अपने आप को तो 30 मार खा समझ रहे थे ना, कि बिना आंसर दिए हम पानी पी लेंगे, तो जी अभिमान था उनका, इसीलिए उनकी ये कंडीशन ऐसी दशा में पहुंच गए। आप उनका अनुसरण मत करिए, आप पहले मेरे प्रश्नों का आंसर दीजिए, इसके बाद आपको परमिशन है आप पानी भी पीजिए और घर भी ले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में इंसान को क्या बचाता है, आदमी को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उन्होंने एक सेकंड में बता दिया, उन्होंने कहा करेज, साहस, इंसान के पास साहस है तो वह किसी भी परिस्थिति से सामना कर सकता है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया, By the study of which science does man become wise? क्या किसी साइंस को पढ़ लेने से कोई आदमी वाइज हो सकता है, चतुर ज्ञानी हो सकता है। उन्होंने धड़ाक से आंसर दिया, Not by studying any शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ लेने से या किसी शास्त्र का अध्ययन कर लेने से Does man become wise? कोई भी आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। It is by association with great in wisdom that he gets wisdom. It is by association. यह सिर्फ संगति से होता है, संगति का असर होता है। With great महान लोगों की संगति करिए आप लोग, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। In wisdom that he gets wisdom. अगर उनके साथ में रहेंगे तो आपको स्वाभाविक है कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कोई भी शास्त्र पढ़ लेने से, कोई भी ग्रंथ पढ़ लेने से कोई भी ज्ञानी नहीं बन जाता, वो सिर्फ क्या हो जाता है, अगर अच्छे उच्च विचार वाले लोगों की संगति में रहेगा तो स्वाभाविक है उच्च विचार ही ग्रहण करेगा, और बेकार व्यक्तियों के साथ में रहेगा तो वह बेकार निकम्मा आवारा हो जाएगा, ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है, एसोसिएशन
बाय विजडम। कहने का मतलब यह है कि ज्ञानी लोगों की संगति का असर बहुत होता है। अगला क्वेश्चन फिर पूछा उन्होंने, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड, हवा से तेज क्या है, हवा से तेज चलने वाला क्या है। उन्होंने तुरंत आंसर दिया माइंड, मस्तिष्क बहुत तेज है, बहुत ही चंचल है। अभी यहां है, एक मिनट में कहा इंग्लैंड पहुंच जाए, एक सेकेंड नहीं लगेगा अमेरिका हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करके आ, नहीं लगता टाइम इसमें, कब कहां पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। तो सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला क्या है, मस्तिष्क, इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाता। अभी आप लोग यहां बैठे हैं, आपका हो सकता है किसी का दिमाग सीरियल में आ गया है, कुमकुम भाग्य कैसा आ रहा, दियाबाती कैसा, तरह तरह के विचार है, मस्तिष्क को ये विचार लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ये सबसे ज्यादा चंचल है, सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाला क्या है, जहां लाइट पानी बिजली कुछ नहीं पहुंच सकता है, वहां मस्तिष्क बहुत ज्यादा माइंड। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई स्ट्रा, एक सूखे तिनके से ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है। उन्होंने कहा आ सोरो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से टूटा हुआ हृदय सबसे ज्यादा मुरझाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। उन्होंने फटाक से आंसर दिया, क्या दिया, लर्निंग, ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमेशा साथ जाती है, बाकी कोई साथ नहीं जाता। जन्म लिया आपने, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर लर्निंग है, वो आपके साथ में जाएगा। आपने सुना होगा, आपने घर में मम्मी बोलती होगी, पापा बोलते पढ़ लो बेटा, प्रॉपर्टी तो हर कोई बटाता है, धन दौलत हर कोई बटाता, गुण बोले कोई नहीं बटाता, गुण जानते हो ना, जो लर्निंग है, जो ज्ञान है आपके अंदर, उसको कोई बटा नहीं सकता, और वही आपके साथ में चाहता है, वही आपका असली मित्र होता है। नेक्स्ट, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड, ऐसा कौन मित्र है ऑफ वन, एक हु स्टेज एट होम, ऐसा कौन मित्र है जो घर पे रहता है। सारे मित्र एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अपने अपने घर चले जाते हैं शाम को। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मित्र का नाम बताइए जो घर पे रहता है। उन्होंने कहा वाइफ, पत्नी, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा फ्रेंड है। इसके बाद उन्होंने कहा हु एकंपनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के साथ में कौन जाता है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के उपरांत कौन साथ में जाता है। उन्होंने आंसर दिया धर्म, सिर्फ धर्म साथ में जाता है। दैट अलोन एकंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के एकांत यात्रा जो चलती है, मृत्यु के बाद जो यात्रा होती है, उसमें सिर्फ सिर्फ धर्म साथ में जाता है, इसके अलावा और कोई साथ में नहीं जाता। सारे रिश्ते नाते साथ आपके यहीं पर रह जाएंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा चाहता वो भी आपका यहीं रह जाएगा, सिर्फ सिर्फ आपके साथ में क्या जाएगा, धर्म ही रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर किया गया, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन, पात्र बोला गया उसको, पात्र क्या है सबसे बड़ा जिसमें सब कुछ समा जाता है। उन्होंने कहा द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, पृथ्वी के अंदर हर चीज समायोजित है, इज द ग्रेट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है। पृथ्वी के अंदर क्या नहीं समाया ये कहो, यानी हर चीज पृथ्वी के अंदर समायोजित हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता क्या है। उन्होंने कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज, प्रसन्नता इज माने है द रिजल्ट माने परिणाम ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। आपका करैक्टर अगर अच्छा है, चरित्र अगर अच्छा है, तो आप बहुत प्रसन्न हैं। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप,
जिसको त्याग करके रिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसे त्याग करके इंसान सबको प्यारा हो जाता है, सबको प्रिय हो जाता है, वह क्या है? उन्होंने कहा प्राइड। प्राइड में जाते क्या होता है? प्राइड, गर्व, अहमान, अभिमान। फॉर मान, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी प्राउड करना छोड़ देता है, त्याग देता है, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी को प्यारा हो जाएगा, सभी को प्रिय हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द लॉस विच ईल्स जॉय एंड नॉट सॉर। व्हाट इज द लॉस, वह एक ऐसी हानि क्या है, विच ईल्स जॉय, जो सिर्फ प्रसन्नता देती है, नॉट सॉर, दुख नहीं देती, वह एक हानि क्या है? उन्होंने कहा एंगर, यदि आदमी एंगर करना छोड़ दे जाए, एंगर जानते क्या होता, क्या होता है? क्रोध, गुस्सा, एंगर, ठीक है, यदि आदमी क्रोध को त्याग देता है, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू अ सॉरो, तो हम दुख के साथ में ज्यादा देर तक ग्रसित नहीं रह सकते हैं, ज्यादा देर तक उससे सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, प्रभावित नहीं हो सकते हैं। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप रिच मैन बिकम्स रिच, वह एक ऐसी चीज क्या है जिसको त्याग करके आदमी धनी हो जाता है, एक कोई एक ऐसी चीज बतानी जिसको त्याग करके इंसान रिच हो जाता है, धनवान हो जाता है, बताइए वो कौन सी चीज है? युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर दिया, डिजायर, जानते क्या, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना, लालच करना त्याग देता है, तो ही विल बी बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाता है, क्योंकि जब वह लालच करना त्याग देगा, उसकी इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं, इच्छाएं जानते, जैसे साधु संत होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, बड़े बड़े बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वीआईपी फर्नीचर, ऐसी कोई इच्छाएं नहीं होती उनकी, इसलिए वो अपने आप में धनवान है, कुछ ना होते हुए भी वह सब कुछ हासिल होता है उसके पास। और जिनके पास इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी संतोष नहीं होता है, संतोष जानते हो, मन को शांति नहीं मिलती है, समझ में आ गया ना? तो उन्होंने क्या कहा है, यदि आदमी ग्रीडी, लालची होना छोड़ देता है, तो वह सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है। एक और क्वेश्चन कहा था उन्होंने, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वो एक ऐसी चीज कौन सी है जो किसी भी इंसान को ब्राह्मण बना देती है? इट इज वर्थ, क्या है, जन्मी है, सॉरी, इज इट वर्थ, क्या है, जन्मी है, गुड कंडक्ट, क्या अच्छा आचरण, और लर्निंग, ये तीन चीजें, आंसर डिसेसिबली, सोच समझकर आंसर दो कि वह एक ऐसी चीज क्या है जिस जो किसी को भी एक रियल ब्राह्मण बना देता है, क्या उस चीज का, ऐसी चीज का कोई जन्म हुआ है, क्या एक अच्छा आचरण धारण करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, क्या एक ज्ञानी ब्राह्मण हो सकता है, ऐसी तरह तरह से उन्होंने क्वेश्चन किए। युधिष्ठिर जी ने कहा, वर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन अ ब्राह्मण, वर्थ एंड लर्निंग, जन्म ले लेने से और ज्ञान हासिल कर लेने से डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण उस व्यक्ति को ब्राह्मण बना देता है। However, learn a person may be, कोई भी आदमी किसी भी तरह से शास्त्र का ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, he will not be a ब्राह्मण, वह शास्त्र में तो ज्ञानी हो सकता है, बहुत प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन he will not be a ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा, without giving up bad habits, ज्ञान बहुत है उसके अंदर, आदतें खराब है, बैड हैबिट्स है, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, चारों वेदों का ज्ञान होते हुए भी अगर उसकी आदतें खराब है, तो
तो वह ब्राह्मण कतई नहीं हो सकता है। A man of bad conduct falls to a lower class, यदि आदमी का आचरण गंदा है। A man of bad conduct, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स माने गिर जाता है, टू अ लोअर क्लास माने निम्न श्रेणी के लोगों में चला जाता है। लोअर क्लास जहां किसी की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद देखिएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बताएगा क्या सबसे बड़ा आश्चर्य। एवरीडे, आंसर सुनिए युधिष्ठिर जी का, एवरीडे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू ए यमास किंगडम। एवरीडे माने प्रत्येक दिन, मैन माने आदमी, सी माने देखे जाते हैं, क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, यमराज के राज्य में प्रतिदिन आदमी जाते हुए देखे जाते हैं। एंड येट माने फिर भी, सॉरी एंड माने और, येट माने फिर भी, दोज माने वे हु रिमेन वन, जो बच जाते हैं, प्रत्येक दिन आदमी मर करके यमराज जी के यहाँ जाते हैं। भाई हर कोई देखता है, हर किसी को पता है, लेकिन जो व्यक्ति बच जाते हैं, हु रिमेन, जो बच जाते हैं या बचे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। जबकि रियलिटी ये है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है इस संसार में, जिसने जन्म लिया है, जो जन्मा है, उसका मरना तय है। तो आदमी चाहता कि मैं अमर हो जाऊं, मैं बचा रहा हूं, तो इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो देखो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए लेसन को कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, और हमारी आपसे शुभकामनाएं कि आप दिन रात प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू सो मच।